नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के YouTube चैनल स्लैब समाचार में। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती लेती थी महेश भट्ट से सलाह, आपको बताएंगे ये पूरी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। महेश भट्ट के ऑफिस में श्वेता दास नाम की एक लड़की काम करती है, जिसने इस बात का खुलासा किया है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह को लेकर महेश भट्ट से सलाह लेती रहती थी। श्वेता दास ने हाल ही में फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। इसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को एक संदेश लिखा है। श्वेता ने अपनी पोस्ट में लिखा है, रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से सुशांत सिंह को लेकर सलाह लेती रहती थी। साथ में श्वेता ने ये भी लिखा है, रिया दुनिया सुशांत सिंह राजपूत को लेकर दुख प्रकट कर रही है और मैं आपको और मजबूत होकर सदमे से उभरने की प्रार्थना करूंगी। मैंने खुद आपको देखा है, आपने बड़ी कोशिश की थी सुशांत को ठीक करने की। एक माँ और एक इंसान के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि एक बार फिर मैं सभी को याद दिलाऊं कि क्लिनिकल डिप्रेशन विनाशकारी है और चिकित्सा विज्ञान में इसका कोई हल या उत्तर नहीं है। आगे श्वेता ने ये भी लिखा है, हर बार जब आप महेश भट्ट साहब से सलाह लेने के लिए उनके ऑफिस आती थी या महेश भट्ट सर से आप फ़ोन पर सुशांत सिंह को लेकर बात करती थी, तो मैंने आपका वो संघर्ष खुद देखा है जब आपने ये महसूस किया कि सुशांत ठीक है जबकि वह दूर जा रहा था। महेश सर को ये चीज़ें पहले ही महसूस होने लगी थी और यही कारण था जिसकी वजह से महेश सर ने ये साफ कहा था, दूर चले जाओ या ये तुम्हें साथ ले जाएगा। आपने अपना सब कुछ दिया और अपने से ज़्यादा कोशिश की। लव यू माय जलेबी, मजबूत रहो। वेल गाइज, ये थी वो पोस्ट जो श्वेता दास ने फेसबुक पे शेयर की है और जो काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस पोस्ट के द्वारा कहीं ना कहीं श्वेता दास ने ये बात क्लियर कर दी है कि सुशांत सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट से सलाह लेती रहती थी। वेल गाइज, ये थी हमारी आज की अपडेट। ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल स्लैब समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।